तो गाइस यार मेरा कैमरे की तरफ ही ध्यान है बट मैं बाहर भी देख रहा हूँ ये कौन जा रहा है। हेलो गाइस आप सबके अपने चैनल रहस्य 2M में स्वागत है। तो गाइज आप ये देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे व्हीकल गुजर रहे हैं। तो गाइज हम आपको बताते हैं हम जा कहाँ पे रहे। गाइज एक ऐसी लोकेशन है यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर पे, सिर्फ ओनली फॉर 20 किलोमीटर बाद एक ऐसी हाईवे रोड स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे कि बताया जाता है कि एक लड़की है जो कि लिफ्ट मांगती है। तो गाइज आज मैं और मेरे पापा जी और मेरे दोस्त है पीछे बैठे हैं, हम सारे उसी रोड पे सर्वाइव करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये रास्ता कंप्लीट दिखाना चाहता हूँ कौन सा रास्ता है, आप ये रास्ता देखो। और गाइज बड़े बड़े जो यूट्यूबर है वो सब जाके वहाँ पे वीडियो बना के आए हैं, जो कि वो औरत है। लाइट कैसे बंद हुई है गाइज? लाइट बंद हो रही है। अरे भाई पता नहीं कुछ नुक्स हो सकता है गाड़ी के अंदर। तो गाइज मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर है भाई आवाज जा रही है गाड़ी में से। लाइट बंद हो गई। ओ भाई आवाज कहाँ से आ रही है यार? छत के ऊपर है कोई। गाड़ी रोक के देखेंगे? नहीं भाई डर लग रहा है। रोक के देख लेते? नहीं भाई नहीं भाई नहीं साइड में देख रहे थे घाटे में। भाई सामने कौन खड़ा है? कोई नहीं भाई। लाइट बंद। लाइट ऐसे कैसे कर रहे हो पापा? देखा गाइस लाइट ऑटोमेटिक बंद ऑफ हो रही है गाड़ी की। अब यहाँ में आप किसी भूत को सिग्नल नहीं दे रहे, आप सोच रहे हो लाइट बंद करके आपको कोई भूत आ जाएगा। नहीं गाइस जो ये रोड है वो रियलिटी रोड है, यहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर आए हैं। ये देखो आवाज आ रही है, मैं आपको ना लाइट जगा के दिखा देता हूँ। पीछे बैठे ये देखो इनके हाथ काम पे ठीक, इनके हाथ ये रहे तो भी ये देखो आवाज आ रही है, आवाज का कोई नहीं पता। ये देखो आवाज एकदम ही सुनाई दे रही हमें। ये देखो इनके हाथ देख लो काम पे तो भी देख लो हमें आवाज सुनाई दे रही, बट हम गाड़ी यहाँ पे रोकेंगे नहीं। हम यहाँ पे गाड़ी नहीं रोकेंगे क्योंकि पापा जी साथ, पापा गाड़ी नहीं रोकेंगे, गाड़ी पर चलाई जा रहे हैं सिर्फ सेफ्टी के लिए। हम गाड़ी के अंदर बैठे, गाड़ी को हमने फुल लॉक किया हुआ है, चारों साइड शीशे बंद किए हुए हैं और अंदर से गाड़ी हमने लॉक की हुई है। गाइस जो यूट्यूबर आके हमें वीडियो बना के गए ना वो सब कह रहे हैं कि यहाँ पे एक लिफ्ट मांगने वाली औरत है जो कि गाड़ी का पीछा करती है और गाड़ी को रोक के शमशान घाट लेके जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे देखो गाइस जो व्हीकल आ रही है, गांव आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो गांव है ना अब यहाँ से जो रास्ता स्टार्ट होगा वो होगा रास्ता और वहाँ पे ही है शमशान घाट। मैं आपको शमशान घाट भी दिखा दूंगा। इस रोड पे एक्टिविटी होती रहती है, इस जो ये रोड पे हम चल रहे हैं यहाँ पे आपको एक्टिविटी मिलती रहेगी रात को 12 बजे के बाद में। आपको मैं गूगल टाइम दिखा देता हूँ क्योंकि आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। ये आप देख सकते हो फोन पे फोन लो हुआ है, ये आप सारा रास्ता देखो आप, आपको पूरे एकदम विश्वास होना चाहिए हाँ ये रास्ता एकदम सही है। मैं फोन निकाल रहा हूँ यहाँ से आपको पता चले ना रियलिटी का। एक चेन ऑफ तो ये रुको, रात के 12:26 हो चुके हैं, रात के 12:26 और फोन में देख लो रात के 12:26 एकदम सेम टाइम है, अलग टाइम नहीं है। ये आपको हम चेक करा देते हैं क्योंकि आपको यकीन होना चाहिए पूरा। देखो सामने आपको फोन की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और जो भी व्हीकल आ रहे हैं वो अपनी स्पीड स्पीड आ रहे हैं। हमारी स्पीड अभी 70 की प्लस हमारी गाड़ी चल रही है ठीक, और जो भी हमें यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई दी अभी आपने देखा गाड़ी थी आवाज़ करने लगी, लाइटें बंद होने लगी। अब जो भी सामने बाइक ला रहे हैं उनकी आप नोटिस करना, उनकी भी लाइट कभी कभी बंद हो जाती है। आपको हम प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं और जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर आके यहाँ पे वीडियो बना के गए हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ है कुछ है, और ये चेक करने में आया हूँ। बट हमें अभी एक्टिविटी हुई है जो हमारी गाड़ी साथ में हुई है, कोई गाड़ी में नुकसान नहीं, क्यों सर्विस अभी कराई हुई है। लाइट कैसे बंद हुई है वो हमें पता नहीं, ऑटोमेटिक जग हुई चालू हुई और बंद हुई है, हमने आपको सारी चीज़ें दिखाई। अब ये देखो इसकी लाइट एकदम कम हुई थी थोड़ी सी, जो भी हम आपको दिखा रहे हैं एकदम रियलिटी चीज़ें दिखा रहे हैं। और गाइस ये वो जो रोड है वो स्टार्ट हो चुकी है, अब ये रोड है 10 किलोमीटर तक और 10 किलोमीटर के अंदर हमें जो भी चीज़ बस सामने कोई है गाड़ी कोई है सामने, लाइट बंद होगी, लाइट कैसे बंद होगी, है सामने बंद होगी, कोई है आवाज़ कौन कर रहा, कौन है आवाज़ आ रही, कोई है वो रहा करना वही कोई रोड पे है, कोई कोई है रोड पे है
ब्रेक करो गाड़ी, ब्रेक करो यार भाई, ब्रेक करो गाड़ी जल्दी, पीछे वहां पे कोई है अंकल। लाइट जल रही है, बंद हो रही है, तो जग नहीं रही। हाँ है रोड पे कोई, कोई है रोड पे, कोई दिख रहा है रोड पे, कोई दिख रहा है। लाइट क्यों नहीं जल रही, आवाज कैसी आ रही गाड़ी के अंदर, लाइट क्यों जल रही भाई, भाई यार दिक्कत हो रही है, एक्टिविटी हो रही गाड़ी के। गेट 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 मत खोलना कोई, अंदर बैठे रहो। लाइट बिना लाइट चलते हैं, बिना लाइट चल रहे हैं भाई, कुछ दिख, रुको रुको मैं फोन की टॉर्च लगा देता हूं। फोन से क्या होगा भाई, गाइस देख लो बाहर नहीं दिखेगा फोन की लाइट से। हां बाहर नहीं दिखेगा यार, अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, गाड़ी चल रही है गाइस, कोई तो है रोड पे सामने बैठा ऐसा लग रहा है, रियलिटी बता रहे, कोई खड़ा है वहां पे भाई, यहां पे कोई था इनके बीच में, जानवरों के बीच में कोई था यहां पे, कोई खड़ा था भाई, कोई खड़ा था गाइस, लाइट एकदम जगी है भी, हम आपको रियलिटी दिखा रहे हैं, और रियलिटी गाइस जो हमारी सांस है ना एकदम रुक गई थी, अभी हमने उस चीज को देखा, वाइट शैडो थी एकदम ही, अभी हमें दिखाई दी है, और जो यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं वो रेड कपड़ों में दिखा रहे हैं, बट हमें वाइट साइड दिखाई दी है, वीडियो को आप स्लो मोशन करके देखना आपको पता चल जाएगा, और जो भी यूट्यूबर बना के, मैं तो कहता हूँ गाइस ये चीज मैंने देखी है, पता नहीं को और कोई भूत हो सकता है, मैं वैसे नहीं कर रहा, ये वही भूत है कि जो लिफ्ट मांगने लौटता है, नहीं गाइस ये और भी कोई हो सकता है, बट हमें ये भी दिखाई दी है, और जैसे हमारी गाड़ी में जो एक्टिविटी हुई है वो आपने देखा है, अब गाड़ी की स्पीड हमने फिर से तेज कर ली है, शुक्र है गाड़ी गाइस वहाँ पे कुछ रैंप था उसकी जगह हमने गाड़ी स्लो कर ली थी, बाय चांस गाइस गाड़ी की रफ्तार चेंज होती और बाय चांस लेट बंद हो जाती और आगे से कोई व्हीकल आ जाता, तो गाइस आज आप समझ सकते हो हमारे साथ क्या होता, इतनी रात को हम ये वीडियो बना रहे हैं, रात के 12 बजे यहाँ पे आए हैं इस रोड पे वीडियो बनाने के लिए, और आज हम आपके बीच में रहते या नहीं रहते, बाय चांस कुछ भी हो सकता था, कोई भी दुर्घटना हो सकती थी, बट किस्मत अच्छी थी, रैंप आया, रैंप की जगह पापा ने गाड़ी स्लो करी, और स्लो करने में कुछ दूरी पे चले ही थे, और ऑटोमेटिक वो चीज़ ऑटोमेटिक हमारे सामने, और लाइटें बंद होने स्टार्ट होगी, और गाड़ी के अंदर सबसे पहले आपको मैं ये दिखा देता हूँ, खाटू श्याम जी की फोटो लग रही है आपको, कई चीज़ें दिखा रहे हैं, और शीशे हमारे सारे बंद है, गाड़ी लॉक है, तो भी हमें छत पर आवाज़ आई है, एक्टिविटी बहुत हुई है, ये देखो भाई जो भी हम कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पे एकदम रियल है, आपको हम सारा कुछ दिखा रहे हैं, आपको ऐसा लगता हो कि यार वीरू भाई आप फेक बना रहे हो, तो आप इस रोड पे आ सकते हो, रोड में आपको बता दो तो कौन सी रोड है, आपको कुछ नहीं करना, वीडियो के टाइटल पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा गूगल मैप का, आप डायरेक्ट इस रोड पे आ जाओगे और सर्वाइव कर सकते हो। गाइस मेरे कंठ सूख चुके हैं चीज़ को देखने के बाद में, मेरे से बोल ही नहीं जा रहा, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ जो भी मैंने अभी देखा है पीछे, मैंने अभी कुछ सेकंड पहले मैंने कुछ देखा था पीछे, आप वीडियो को स्लो करके देखना, को कन्फर्म है कैप्चर तो वो हुई है, जिस हिसाब से वो रोड के बीचों बीच बैठी थी वाइट कपड़ों, जो भी मैंने महसूस किया था पीछे और जो हमने देखा है, जो हमारे कंठ सूख चुके थे, गाइस मैं बस ये बताना चाहता हूँ, ऐसी रोडों पर आप सर्वाइव करते हो आते हो, तो बस अपनी गाड़ी में देवताओं की फोटो रखो और ध्यान रखो, और गाइज अपनी गाड़ी की स्पीड 70 से 60 के बीच में रखो, यहाँ पे आप सर्वाइव कर रहे हो, और गाइज आप ध्यान रखो यहाँ से देखो भाई, बड़े व्हीकल है ना, जो गाड़ी है वो गुजरे, को बाइक वाला आपने नोटिस किया कोई बाइक पे नहीं आ रहा, ठीक, क्योंकि हाईवे रोड है, हाईवे रोड पे व्हीकल सारे चलते हैं, बट यहाँ पे अभी आपने नोटिस किया हुआ, इतनी देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट अभी कोई बाइक हमें कोई भी नजर नहीं आ रही इस रोड पे, बस बाइक पे कोई भी सर्वाइव नहीं कर रहा, बट आप कमेंट करते हो तो इस रोड पे मैं आऊँगा बाइक लेके और सर्वाइव करके आपको दिखा दूंगा, बट हमने जो चीज़ देखी वो वास्तव में रियल चीज़ थी, कैप्चर हुई है, और अभी वो गांव भी है, एक गांव बता रहा हूँ मैं आपको, वो गांव आएगा, उस गांव से थोड़ी सी आगे भी एक और भी बता रहे हैं, ये सारी रोड भी ना मोस्ट हॉन्टेड रोड बताई गई है, मैं आपको सारी की सारी कवर करा रहा हूँ, वीडियो जितनी भी लंबी हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि यार जो भी यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है, मुझे वो पेड़ मैंने नोटिस किया था, पापा ने वहाँ पे एक रैंप है, उसके आगे पेड़ था, वहाँ पे जो गायें खड़ी थी उसके बीच में वो जो भी चीज़ थी वाइट साइड हो वहाँ पे बैठी हुई थी, बस हमने वहाँ तक उस चीज़ को देखा है, अभी हमें पता नहीं वो आगे दिखाई देगी, अभी हमारा कोई बंदा होता तो हमें वीडियो पोज करके हमें आगे बैठाना पड़ता ना, तो आप ये देखो सारी की सारी हम चीज़ें कैप्चर कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो,
एक एक चीजें हम आपको कैप्चर करा रहे हैं। अब वो गांव आ चुका है, उस गांव से एक छोटा रास्ता जाता है, उस रास्ते में हम जाएंगे जहाँ पे सारों ने वीडियो बनाई है, सारे कह रहे मोस्ट वांटेड रोड है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप सरवाइव करके दिखा दो, ये करके दिखा दो, वो करके दिखा दो, आपको पता चल जाएगा, वो पता चल जाएगा। तो आज हम ही देख लेंगे हमें क्या पता चल रहा है। बट मुझे जितना पता चला है कि इस तीन जगह पे हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे, बट वहाँ पे वो चीज़ थी, वहाँ पे कोई दुर्घटना हुई होगी, कोई मैं बहुत मरा होगा, उसकी वो आत्मा थी हमें आज दिखाई देगी है। गाइस कहते हैं कि किसी के तो गाइस ये वो रास्ता है, मैंने इतनी देर वीडियो पॉज कर दी थी क्योंकि आपको एक एक चीज़ें दिखाना चाहता था, हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिस टाइम से मैं आपको कह पाता। एक टाइम देख लो क्या टाइम हो रहा है रात का, क्योंकि आपको पूरा विश्वास हो जाएगा ना, रात के 12:35 हो चुके हैं, ठीक, रात के 12:35 हो चुके हैं और यहाँ पे हमने सर्वाइव किया, यहाँ पे हमने सर्वाइव किया, कितने मिनट हमने सर्वाइव किया वो आप देख लो, ठीक, आपको सारी चीज़ें हमने दिखाई। अब जो ये रोड है ना, यहाँ पे भी यूट्यूबर ने वीडियो बनाई थी, क्योंकि मुझे सारी रोड पता ही की है, एक उनका ही कोई दोस्त है वो हमें बताता रहता है भैया इस रोड पे ये वीडियो बन रही है, आप जाके सर्वाइव कर लेना। तो हम आए देखो गाइस, कुत्ते एकदम गुजरे, यहाँ पे कोई चीज़ खड़ी होगी, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, या कोई जानवर मरा होगा उसके लिए बाकी होंगे, ऐसे कह नहीं सकते, कोई भूत होगा, कुछ भी हो सकता है गाइस, ऐसे अपने ना कहते नहीं है, जो भी हमें अब एक टाइम में कुत्ते टपे, क्या पता उसको कोई चीज़ दिखी होगी, बिल्ली की होगी, उसके पीछे कुत्ते भागे होंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, उनके सामने से कोई कुत्ता भाग जाए, कुत्ता भौंकने लग जाए किसी चीज़ को, कहते भूत है वहाँ पे, ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पे और भी कुछ चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे हमें जो भी चीज़ें हम नोटिस करेंगे इस रोड पे वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पे चलो गाइस ठेके भी बने हुए, देखो ठेके बने हुए हैं, बट यहाँ से वो रोड स्टार्ट है, ठीक, यहाँ से उन्होंने वीडियो बनाने स्टार्ट की थी, और यहाँ पे भी दिखाई दी है लिफ्ट मांगने वाली औरत रेड कपड़ों के अंदर और शमशान घाट लेके जाती है, जो कि ये रोड है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाई जा रहे हैं एकदम क्लियर से, आप देखते रहो, जो भी आपको छोटी से छोटी चीज़ कैप्चर होती है वो आप बता सकते हो, या आपको ऐसा लगे भैया आपने नोटिस नहीं किया कि उस पेड़ के पास खड़ी थी, इस पेड़ के पास खड़ी थी, या इस पेड़ के पास खड़ी थी, आपने नोटिस नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो गाइस यार मेरा कैमरे की तरफ ही ध्यान है, बट मैं बाहर भी देख रहा हूँ, ये कौन जा रहा है, क्या कर रहे हो, कोई है, कौन है गाइस, कोई आदमी है, दारू पी के जा रहा है, लाइट देगा ना, ये देखो गाइस, अब ये भूत नहीं है, एकदम आया, हमने एकदम ब्रेक मारे, एकदम गाड़ी के आगे भी आ सकता था, अब ये भूत नहीं है, रात के 12:00 क्या टाइम है, हम आपको भूत नहीं दिखाने जाते हैं, हम रियलिटी चीज दिखाने जाते हैं, ये देख लो ये कोई इंसान है जो कि रात के इतने बड़े टाइम पे हमारी गाड़ी के आगे भी आ सकता था, कुछ भी हो सकता था, पापा ने सही टाइम पे ब्रेक मार लिए, क्योंकि हमें वो दिखाई देगा एकदम ही, ठीक, अब ये हम इसको भूत भी बना सकते थे बट हमने बनाया नहीं, जो रियलिटी चीज है वो रियलिटी चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक, रात का टाइम देख लो, एकदम ही वो सामने आया, दारू पिया हुआ था, बाई चांस वो गाड़ी के आगे गिर जाता तो कुछ भी हो सकता था, कोई दुर्घटना भी हो सकती थी, तो गाइस इसलिए मैं आपको कहता हूँ ऐसा, देखो ये दारू पी की जो व्यक्ति हो रहा है, तो दारू पी के इस रोड पे घूमते हैं, इनको तो वो चीज नहीं दिखाई दे रही ना। अब गाइस मैं इन पेड़ों के पास भी ध्यान से देख रहा हूँ, क्योंकि यार कोई भी हमारा यूजर या वीडियो देख रहा हो, यार उनके कोई बंदे वीडियो देख रहे होंगे, वो कमेंट करके कह देंगे वीरू भाई आपने इतनी सेकंड में उस चीज को इग्नोर कर दिया, देख के भी इग्नोर कर दिया, आप डर रहे थे गाड़ी से नीचे नहीं उतरे, बट मैं आपको सारी साइडें आपको दिखा रहा हूँ, जितनी भी दोनों चीज़ें हम जो कि इस साइड की भी चीज़ कैप्चर हो रही है, इस साइड की भी चीज़ कैप्चर हो रही है, और फ़ोन में ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि यार जहाँ पे मुझे ऐसे लगा इस पेड़ के पास वो लड़की खड़ी है या वो औरत खड़ी है जो कि लिफ्ट मांगने वाली है, तो गाइज मैं आपको बता दूंगा इतने सेकंड में वो चीज़ कैप्चर हुई है, क्योंकि आपका फालतू का टाइम खराब ना हो, ठीक, बाकी यार वीडियो को आप भी ध्यान से देखो यार गाइज, टाइम की कीमत नहीं होती, बट यार जो रियलिटी है वो रियलिटी का पता चले। अभी आप देखो मैसेज आ चुका है, फोन भी हमें आ रहे हैं, ठीक, घर से फोन आने लग चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, बट हम आप क्लियर करके जाना चाहते हैं ना, हमें सिर्फ आपको विश्वास दिखाना है इस रोड पे कुछ है या नहीं है, बट उस जहाँ पे हम पापा जी ने एकदम रैम पाया था उस जगह पे रियल में कुछ था, वाइट शैडो बैठी थी, एकदम हमने कैप्चर की है, ठीक, वो कोई दारू पिया हुआ आदमी नहीं था, वो कोई चीज थी वहां पे, एकदम हम सो रहे, गाड़ी की लाइट बंद हुई थी और
ऑटोमेटिक लाइट जगने लग गई थी। हमने सब कैप्चर किया था वहां पे। गाड़ी बज गाड़ी में से आवाजें आने लगी थी छत के ऊपर, जैसे लगा कोई बैठा है, कोई गाड़ी को छत के ऊपर से पीट रहा हो, इस टाइप की हमें आवाजें सुनाई दे रही थी गाड़ी के अंदर बैठे हुए। तो अभी हम गाड़ी के नीचे नहीं उतरे। क्यों नहीं उतरे आप समझते हो, आपको क्या बताऊं मैं, आप सब जानते हो। तो अभी बस गाइस हम ये यहाँ पे सरवाइव करने, आपको पूरा विश्वास कराया, आपको मैंने वो चीज दिखाई है, आपको आपने वीडियो स्किप करके आगे देख रहे होंगे क्योंकि हमें भूत ही देखना है। तो यार मैं आपको वो सेकंड बताता हूँ, इतने सेकंड में वो चीज कैप्चर हुई है। तो गाइस काफी टाइम हो चुका है, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। तो गाइस आपको पूरी रोड यहाँ तक दिखा दी, जहाँ तक था वहाँ तक हमने क्लियर कर दिया, और थोड़ा सा और दूर चलना है वो और क्लियर कर देता हूँ, तो एकदम ये रोड क्लियर हो जाएगी। बाकी आपको यार कमेंट करो कि वीरू भाई आप बाइक लेके यहाँ पे सरवाइव करो, तो मैं यहाँ पे बाइक लेके सरवाइव भी कर लूंगा। ये आप देख लो सारी की सारी रोड, और गाइस सारे पेड़ एकदम चेक कर लो कहाँ पे भी वो नहीं दिखाई दे रही। और शमशान घाट आप कह रहे हो, उस साइड वो शमशान घाट है जहाँ पे की लाइटें जग रही हो, देखो लाइटें जग रही ना वहाँ पे, वो शमशान घाट आपको मैं दिखा देता हूँ, वो शमशान घाट है। उन्होंने वो शमशान घाट दिखाया था, वो शमशान घाट मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक। और ये बोर्ड दिखा रहे थे वो बार बार, ये बोर्ड है गांव का, वो बोर्ड भी मैंने आपको दिखा दिया है। सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे बड़े बड़े व्हीकल चल रहे हैं, इनके सामने वो आएगी नहीं, आएगी तो जो भी है क्लियर है एकदम। अभी तक हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया है इस रोड पे, ठीक। बट मुझे वहाँ पे दिखाई दिया था, एकदम कन्फर्म हूँ, वाइट शैडो थी, बैठी हुई थी, गायों के बीच में बैठी थी। अब गाइस ऐसा भी हो सकता है, इतनी सारी गायें थी, मैं आपको बताऊँ क्या मुझे क्या लग रहा है, मेरे जो मैं सोच रहा हूँ, गाइस इतनी सारी गायें थी, उस गाय को जो व्यक्ति चलाता है वो व्यक्ति नहीं था, बट मुझे लग रहा है उसकी वो आत्माएं थी, हमें आज वो दिखाई दी है। इतनी सारी गायें थी बट वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं था। इतनी सारी गायें एक साथ जब भी होती है, जब कोई आदमी उसको चलाता हो, मुझे कन्फर्म लगा वो ही व्यक्ति था जो गाय वाला है, वो मर चुका होगा वहाँ पे, इसलिए आज भी गाय वहाँ पे आती है उस आदमी साथ में प्रेम हो, जो कि होता है गाँव गायें होती है जो आदमी की फीलिंग जानती है, और जो आदमी गांव से प्यार करता है तो गायें भी आदमी से प्यार करती है, ठीक। इसलिए गाइस मुझे ऐसा लग रहा है 100% है कि जहाँ पे वो गायें थी ना वहाँ पे ही वो आदमी बीच में बैठा हुआ था वाइट कपड़ों में, और जैसी हमारी लाइट बंद हुई, ऑटोमेटिक जगी, ऑटोमेटिक बंद हुई, वो ऑटोमेटिक जो परछाई थी वाइट साइड ऑटोमेटिक वहाँ से गायब होगी, और जो गायें थी वो चलने लग गई। हमने ये चीज मैंने नोटिस की थी तभी मैं वहाँ पे बोला नहीं, मैं चलो कोई बात नहीं, मुझे कन्फर्म है कि जो भी वो गायें थी उनका जो मालिक होगा वो था, वो व्यक्ति था वहाँ पे, है वो भी। और वो गाय वहाँ पे रात को 12:00 वहाँ पे आती, मैंने टाइम नोटिस कर लिया है, मैं कल भी वहाँ पे जाऊँगा, सरवाइव करूँगा, जो भी मुझे कैप्चर होगा वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे गायें हुई। गाय देखो आज वो गाय मुझे मिली है, बट कल भी वो गाय मुझे मिलती है वहाँ पे। तो गाइज आप समझ लेना कि रियल में वो आदमी ही था जो कि वो गायों को चलाता है, यह गाँव का मालिक मान लो, वही था वो जो कि आत्मा में आज दिखाई थी एकदम साफ। ये चीजें दुनिया में सरवाइव करती है। आज जो मैं बहुत मरता है, जिसका एक्सीडेंट होता है, जो कोई फांसी लेके मर जाता है, या कोई सुसाइड कर लेता है, एक्स वाई जेड कुछ भी कर लेता है, मैं बहुत मरता है, उसकी आत्मा जब तक बढ़ती रहती है, जब तक उसकी खुद की मरने की डेट होती है। आज आप जन्म लेते हो, आपकी कोई डेट है मरने की, जब तक उसकी आत्मा भटकेगी, आप सुसाइड कर लो तो आपकी आत्मा भटकती रहेगी ये धरती पे, आपकी आत्मा जब तक भटकेगी, जब तक आपकी रियल डेट मरने की खुद आपकी डेट होती है, जब तक आप वहां तक ना पहुंच जाओ, उतने साल तक आपकी आत्मा इस धरती पे भटकती रहेगी। अब वो आदमी बाई चांस गाय चला चलता सुसाइड होगी होगी, या सुसाइड की होगी, या गाय एक्सीडेंट हो गया होगा, कुछ भी हो सकता होगा। अब बाकी मुझे वो रोड पे दिखाई दिया, तो मैं तो यही मानता हूँ कि उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, वो हमें आज दिखाई दिया है रोड पर अपनी गायों के साथ में। इतनी रात को वहाँ पे 10-15 गायें थी, आप नोटिस करना वीडियो के अंदर, 10-15 वो गायें थी वहाँ पे, वो वहाँ पे इतनी रात को क्या कर रही थी। जो भी हमने कैप्चर किया एकदम रियल है सारी चीजें एकदम। इसको जानवर है,
हम जो जो चीजें कैप्चर कर रहे गाड़ी भी ध्यान से चला रहे हैं कि तुम चीजें हम सारी सारी कैप्चर कर रहे हैं। लो सारा कुछ दिखा रहे हैं एकदम। तो गाइस अभी आ चुका वो गांव। अब गाइस रोड क्लियर हो चुकी है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो प्लीज ये लाइक कर देना। चैनल पे न्यू विजिट कर दो प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।